नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम फिनटेन में। आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल। फिनटेन में शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट से, जहां आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 230 पॉइंट्स और निफ्टी 50 34 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 में तेजी और 14 शेयर्स में गिरावट देखी गई। अगर बात करें निफ्टी 50 की तो 28 शेयर्स में तेजी और 22 शेयर्स में गिरावट रही। HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS और महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स में आज सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। वहीं बात करें अगर इन्फोसिस, लार्सन एंड ट्यूब्रो और HCL टेक के शेयर्स में तो सबसे ज्यादा तेजी रही। NSE के फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही। आज घरेलू निवेशकों ने 3,878 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। अगली खबर में बात करते हैं ईरान इसराइल युद्ध के चलते इस हफ्ते भी क्रूड ऑयल के दामों में तेजी रहेगी। इस हफ्ते भी क्रूड ऑयल के दामों में 3% की तेजी रही। वहीं फिलहाल $76 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने एक अहम बैठक के दौरान ईरान के हालिया मिसाइल हमले को कैसे और कब जवाब देना है इस पर चर्चा की। इस बैठक ने ऑयल मार्केट में सप्लाई से संबंधित चिंताओं को हवा दी है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को एनर्जी सुविधाओं पर हमला न करने की सलाह दी, फिर भी निवेशक चिंतित हैं। बढ़ते हैं फिनटेन में तीसरी खबर की ओर, जहां टाटा ट्रस्ट को अपना नया वारिस मिल गया है। श्री रतन टाटा जी के निधन के बाद आज टाटा ट्रस्ट ने अपना नया उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। आज मुंबई में हुई बैठक में श्री नोयल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुना। श्री नोयल टाटा पहले से ही सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि टाटा ट्रस्ट कुल मिलाकर टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी रखता है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एविएशन से लेकर ऑटोमोबाइल तक सभी व्यवसाय में इस ट्रस्ट की भूमिका है और यह संदेश भी शेयर धारकों को जाए कि अभी भी संस्थापक परिवार का ही सदस्य ही संस्था का नेतृत्व कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और इसी के साथ कुछ सेक्टर्स में मांग भी तेजी हुई है, जिसके चलते रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। अगर बात करें एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा त्योहारी मौसम में करीब करीब 10 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। नौकरियों में खासकर रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ई कॉमर्स, ऑटोमोबाइल सेल्स, कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में है। रिपोर्ट के मुताबिक बात कर रहे हैं तो त्योहारी सीजन के दौरान इन सभी सेक्टर्स में आम दिनों के मुकाबले ज्यादा मांग रहती है। इस मांग की आपूर्ति के लिए ज्यादा मैन फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए टेम्पररी और परमानेंट दोनों बेसिस पर नौकरियां उपलब्ध रहेंगी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर दिया है। हालांकि RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने इस तिमाही की बैठक में रेपो रेट को बरकरार रखने का फैसला लिया। लेकिन बात करें अगर दिसंबर बैठक की तो दिसंबर बैठक में RBI भी रेपो रेट कम करने पर मजबूर हो सकता है। इसीलिए फिक्स डिपॉजिट्स में मौजूदा दरों में निवेश करने का अभी सुनहरा और शायद अंतिम अवसर है। भविष्य की ब्याज दरों में अनिश्चितता को देखते हुए निवेशकों को फिक्स्ड रेट फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करना चाहिए, ताकि अगर ब्याज दर कम भी हुए तो उनके रिटर्न्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इस त्योहारी मौसम में कार खरीदने वाले हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अपना बजट तय करें और उसके अनुसार अपने लिए वैल्यू फॉर मनी गाड़ी का चयन करें। हमेशा 20:4:10 फॉर्मूला का पालन करें, मतलब कम से कम गाड़ी की कीमत 20% डाउन पेमेंट करें। अगर कार लोन की अवधि 4 साल से ज्यादा ना हो और लोन की EMI आपकी मंथली इनकम से 10% से ज्यादा ना हो, बेफिजूल के फीचर्स के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ गाड़ी में जरूरी सेफ्टी फीचर्स पर ही ध्यान दें और डीलरशिप की फालतू एक्सेसरीज के झांसे से बचें और सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस को कंपेयर करना ना भूलें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप काफी बचत कर सकते हैं। इंडियाज 100 रिचेस्ट 2024 के अनुसार टॉप 100 की लिस्ट में 80% से ज्यादा अमीर और ज्यादा अमीर हो गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि इससे संपत्ति बढ़ने में उनके बिजनेस के मुनाफे में ज्यादा शेयर प्रोडक्ट्स की बढ़ोतरी के कारण इनकी संपत्ति का मूल्य बढ़ा है। इस साल में सेंसेक्स करीब 30% चढ़ा है और इस लिस्ट के अनुसार 58 लोगों की संपत्ति में 8,397 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं, गौतम अडानी दूसरे पर और सावित्री जिंदल तीसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ह्युंडई मोटर्स इंडिया देश का सबसे बड़ा IPO होगा, जिसका बाजार को काफी समय से इंतजार था, जो 15 अक्टूबर को खुलने वाला है और संभवत 22 अक्टूबर को लिस्ट होगा। इस शेयर को लेकर ग्रीन मार्केट में उत्साह कुछ कम होता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते जहां ग्रीन मार्केट में प्रीमियम पर यह शेयर 370 रुपये का था, वहीं इस हफ्ते यह घटकर 170 रुपये का हो गया है। ग्रे मार्केट से यह अनुमान लगता है कि निवेशकों का रुझान इस शेयर के प्रति कम हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस शेयर में निवेश करने की सलाह तो दे रहे हैं,
लेकिन शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा रिटर्न्स न मिलने की संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं। त्योहारों के मौसम में इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट की धूम मची हुई है। अठेर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर 450 into 450 एपेक्स पर 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर दिया है और साथ ही फेस्टिव ऑफर में 8 साल की एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ओला इलेक्ट्रिक ने ग्राहकों के लिए बॉस 72 आवर रश स्कीम चालू की है, जिसमें ग्राहकों को 30,000 रुपए तक का डिस्काउंट और 25,000 रुपए तक के एडिशनल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। फिनटेक में बढ़ते हैं लास्ट खबर की ओर, जहां जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने बेहतर फाइनेंशियल सेवाएं देने के लिए जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च कर दिया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर और माई जियो पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से ग्राहक घर बैठे सेविंग खाता, म्यूचुअल फंड में निवेश, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, UPI पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज आदि सुविधाएं ले सकेंगे। इसके अलावा होम लोन, म्यूचुअल फंड पर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी शामिल है। जियो ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ब्लैकरॉक के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए विश्व स्तरीय नवीन निवेश सॉल्यूशन की दिशा में नया कदम रखा है। तो आज के लिए फिनटेक इज साइनिंग ऑफ एंड ऑलवेज रिमेंबर, सेफ इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज हैप्पी इन्वेस्टिंग। तब तक के लिए देखते रहिए नेशन मिरर।